हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूपेंट। इस वीडियो में हम कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं राउंड फिफ्थ का, और साथ साथ हम देखने वाले हैं कुछ आधे डाउट्स, क्योंकि मॉर्निंग में हमने सीसैप के रिगार्डिंग एक वीडियो रिलीज किया था जहां पे कुछ डाउट्स भी स्टूडेंट के मन में क्रिएट हुए थे जो भी विड्रॉल ले चुके थे सीसैप राउंड में, तो उसके रिगार्डिंग भी और जो ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है उस चीजों को भी थोड़ा सा हम समझने वाले इस वीडियो को। तो मॉर्निंग के वीडियो को आप डेफिनेटली देख लेना, क्योंकि वहां पे हमने पूरा एक्सप्लेन्ड वे में सीसैप में आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ना है सारी चीजों को एक्सप्लेन किया था। यहां पे कुछ जो छोटे मोटे डाउट्स बच गए थे और जो इंपॉर्टेंट और वैलिड डाउट लगे मेरे को, तो वही मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम कट ऑफ एनालिसिस को देख लेते हैं, क्या राउंड सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ में जो कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिला था फिफ्थ में भी ऐसा ही रहा, या फिर कुछ पॉजिटिव साइड देखने को मिला। यहाँ पे अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जिस तरीके से फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में जो स्पाइक देखने को मिला था उसके बाद कट ऑफ एज इट इज चला आ रहा था, कोई भी चेंजेस आपको देखने को मिला नहीं था। लेकिन यहाँ पे आपको फोर्थ के कंपेयर में फिफ्थ राउंड में एक स्पाइक देखने को मिला कुछ आधा कॉलेजेस को। अगर हम यहाँ से हटा दें तो बाकी कॉलेजेस में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ ये जो कट ऑफ आपको डिस्प्ले हो रहा है ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जनरल कैटेगरी मतलब ओपन कैटेगरी से डिस्प्ले हो रहा है। अदर स्टेट के लिए आपको पूरा का पूरा पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। जो उन्होंने डाउनलोड कर लिया आज रात तक या कल मॉर्निंग तक कट ऑफ वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम बाकी है इस पे। जैसे ही कंप्लीट होगा हम वहां पे लगा देंगे पीडीएफ को, आपके कैटेगरी वाइज भी लगा देंगे और सॉर्टेड वे में रहेगा टॉप टू बॉटम। आप इजीली जाके देख सकते हो कि कट ऑफ स्पाइक देखने को मिला है या नहीं मिला। हालांकि यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको मैक्सिमम कॉलेज में स्पाइक देखने को मिला है, इवन आपको 900 के अप्रॉक्स देखने को मिल गया है एनआईटी हमीरपुर के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डुअल डिग्री कोर्स में। तो ये एक पॉजिटिव साइड आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर फिफ्थ से सिक्स राउंड में जिस तरीके से कट ऑफ 2019 और 18 में राइज होता था, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको फोर्थ से फिफ्थ में देखने को मिला, तो एक पॉजिटिव साइड यहाँ पे मिल रहा है हम लोगों को कि अब जो कट ऑफ सिक्स राउंड में जाएगा वो एक अच्छे वे से स्पाइक करने का चांस रहेगा। हालांकि हमने एक प्रिडिक्टेड कट ऑफ का पीडीएफ लगाया भी है कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे, वहां से जाके एक रफ एनालिसिस आप पता कर सकते हो कि कितने तक कट ऑफ रह सकता है, उससे प्लस भी जा सकता है माइनस भी जा सकता है। लेकिन वो कंप्लीट 2018 और 19 का एनालिसिस कट ऑफ चेंज एनालिसिस देखने के बाद जो परसेंटेज से कट ऑफ राइज कर रहा था उन चीजों को देखने समझने के बाद वो वहां पे हमने डिस्प्ले किया है, तो एक रफ प्रिडिक्शन आपको बिल्कुल मिल सकता है। तो उसी तरीके से हम अगर आगे बढ़ते जाए तो 1000 का भी आपको चेंज देखने को मिला है एनआईटी श्रीनगर में। आगे और बढ़ते जाए हम तो 600 का, 335 का, तो ये फोर्थ से फिफ्थ में एक अच्छा आप स्पाइक मान सकते हो, क्योंकि अभी फिफ्थ राउंड में क्या होगा कि विड्रॉल का ऑप्शन लास्ट देखने को मिलेगा, बाकी सिक्स राउंड में आप अगर जाते हो तो आपको विड्रॉल का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से मैक्सिमम विड्रॉल जो भी लेना होगा वो ले लेंगे, ठीक है। तो उसी से हम थोड़ा सा नोटिस जो आया है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप जोसा के ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो एक नोटिस आया है जिसमें कि साफ मेंशन किया गया है कि इस साल जो रिपोर्टिंग होगी वो ऑनलाइन ही होगी, और जिनको भी सिक्स राउंड तक सीट मिलता है तो उनको इंस्टीट्यूट के लिए एक पार्शियल पेमेंट भी करना होगा जो जनरल के लिए 40,000 का होगा और एससी एसटी के लिए वो 20,000 का होगा। यहाँ पे एक और पॉइंट कि जिनको भी फिफ्थ राउंड तक नहीं मिला है अगर सिक्स राउंड में सीट मिल जाता है तो, यहाँ पे ये चीज क्लियर नहीं की गई, लेकिन आपको 35,000 का भी पेमेंट करना होगा, साथ साथ ये भी पेमेंट करना होगा, तो आपको टोटल 75,000 का वहां पे पेमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि आपने एक तो आपको जोसा सीट एक्सेप्ट के लिए करना पड़ेगा, एक आपको इंस्टीट्यूट के लिए जो पार्शियल पेमेंट है वो करने को मिलेगा वहां पे ऑप्शंस, ठीक है। और जो भी 9th नवंबर से 13th नवंबर के बीच ये पार्शियल पेमेंट नहीं करते, आपको सीट मिल गया और आपने वो पेमेंट नहीं किया 40,000 का या फिर 20,000 का, तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी और आप सीसैप के लिए एलिजिबल होगे। बस आपकी सीट जो होगी वो अब आपके हाथ में नहीं रहेगी, जो आपको सीसैप में सीट मिलेगा आपको सीसैप पे ही टोटली डिपेंड होना पड़ेगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये भी क्रिएट होता है कि सर हमने जो 35,000 का पेमेंट किया है चाहे वह आप किसी भी राउंड में किए हो, फिर आपने विड्रॉल ले ली तो आपको फिर से सीसैप में पेमेंट करना होगा, तो इस चीज़ों को भी हम अभी थोड़ा सा क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। यही सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ भी सकते हो, तो सारी चीजें यही एक्सप्लेन की गई हैं कि किस तरीके से आप सीसैप में जा सकते हो। एक बात का बस याद रखना है आपको कि जो भी सीट आपको राउंड सिक्स पे मिला हुआ है और आप सीसैप में जाते हो तो पहली बात तो आपको जोसा में कोई ना कोई विलिंगनेस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऑप्शन आपके फिर फ्लोट पे आ जाएगा। जैसे ही आप सीसैप में एंट्री मारोगे कोई सीट को लेते हुए तो वो सीट एज इट इज रहेगा तब तक जब तक आपको नया सीट नहीं मिलता, जैसे नया सीट मिलेगा तो ये सीट चला जाएगा। तो ये इसका डायरेक्टली मतलब होता है कि ये सीट आपका फ्लोट पे रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो भी लोग पेमेंट कर चुके हैं
और उन्होंने विड्रॉल लिया है या फिर आप पार्शियल पेमेंट नहीं करते हो जो आपका 35,000 है, तो क्या आप सीसे में एडजस्ट होगा या नहीं होगा, इन चीज़ों को देख लेते हैं। तो यार 2020 का तो बिजनेस रूल नहीं आया है, लेकिन 2019 का जो बिजनेस रूल है उनसे इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं, यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि ये साफ यहाँ पे मेंशन किया गया, आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो कि जो भी कैंडिडेट कभी भी विड्रॉल लिए हैं, सीट मिला है और किसी भी राउंड में, और आपने विड्रॉल का ऑप्शन ऑप्ट किया है या फिर किसी वजह से आपकी सीट कैंसिल कर दी गई है, तो आपको जो है सीसा राउंड में 1500 का पेमेंट करना था 2019 में। इस साल हो सकता है इस पेमेंट को बढ़ा के 2000 कर दिया जाए, 2500 कर दिया जाए, वो जब नया बिजनेस रूल आएगा तो हम देख लेंगे, लेकिन यही चीज़ें आपको मैक्सिमम चांस से देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ चेंज अगर होता है तो हम उस पर वीडियो लाएंगे, लेकिन अभी तक का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी 2017 से चला आ रहा था सीसैप, और 2019 में काफ़ी सक्सेस किया था ये प्रोसेस, तो कुछ ज़्यादा आपको चेंज कर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप ये मान के चलो कि आपकी जो वो नई वाली जो 35,000 की पेमेंट है वो इसमें अब अगर आपका सीसैप में पार्टिसिपेट करते हो तो वो आपका एडजस्ट, मतलब पार्टिसिपेटिंग फी के तरह वो एडजस्ट करने को देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, जो एससी से जनरल में कन्वर्ट हुए हो फिर सीट कैंसिल हुआ, सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज मेंशन की गई हैं। तो अगर आप इस बिजनेस रूल को, हालांकि ये ओल्ड है, लेकिन अगर फिर भी आप इसको रीड करना चाहते हो तो हम अपने एप्लीकेशन पे इसको लगा देंगे, इस पीडीएफ को, आप वहाँ से जाके ये 2019 वाले रूल को थोड़ा सा समझ के आप ये चीज़ रिलैक्स हो सकते हो कि आपके लायक जो प्रोसेस है आपको किस तरीके से उसको फॉलो करना है। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और जो डाउट क्रिएट हो रहा था मन में स्टूडेंट के, कि सर हमें अगर सीट मिल चुका है और हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमने पार्शियल पेमेंट भी कर दिया, तो फिर से हमें जोसा में जो नया सीट मिलेगा उसके लिए कोई पेमेंट करना होगा? तो यहाँ पे साफ दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट को अगर सीट मिलता है और वो जोसा में ऑलरेडी सीट एक्सेप्ट किए हुए फी पेमेंट कर चुके हैं, तो उनको कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि नील पेमेंट करना होता है। इस साल भी प्रोसेस आपको एज इट इज देखने को मिलना चाहिए, अगर चेंज आएगा तो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, वीडियो आएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, डेफिनेटली हमारी सीसैप वाली वीडियो आप जरूर जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।